अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल फाइन सेव एंड साउंड। आई एम अदीबा हनीफ, योर सोशल स्टडीज टीचर। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट योर जियोग्राफी बुक। आज हमने आपका यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1 फिजिकल जियोग्राफी को डिस्कस करना है। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। और हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ जियोग्राफी, जियोग्राफी क्या होती है। फिजिकल जियोग्राफी को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए जियोग्राफी क्या है। जियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ प्लेसेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द अर्थ, द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द लैंड दे लिव ऑन। मतलब लोगों का आपस में रिलेशनशिप, और स्टडी ऑफ प्लेसेस मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें प्लेसेस मतलब जगहों को स्टडी करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ, अर्थ की जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं मतलब नज़र आने वाली, इसमें इसकी सॉइल, लैंड फॉर्म्स, मिनरल्स, वाटर, जो जो अर्थ में चीज़ें पाई जाती हैं उनकी स्टडी, द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड लैंड दे लिव ऑन, और लोगों के दरमियान रिलेशनशिप जो कि ज़मीन पर रह रहे हैं। और नेक्स्ट है डिफाइन फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी डील विद द फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ जियोग्राफी एंड स्टडीज द प्रोसेस पैटर्न कंसर्निंग नेचुरल एनवायरनमेंट एलिमेंट्स लाइक ग्रासेस, ट्रीज, अर्थ, सॉइल, ओशियन, डेजर्ट्स, माउंटेन, इकोसिस्टम एंड ऑल ओवर अदर प्लैनेट। मतलब क्या है, जो कि ज़मीन की सतह पर जितनी भी चीज़ें हैं फिजिकली जो हमें अपेयर हो रही हैं उन सब की स्टडी को हम क्या कहेंगे, फिजिकल जियोग्राफी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट आ शॉर्ट नोट ऑन रॉक एंड मिनरल। रॉक एंड मिनरल पर नोट लिखना है आपने। तो रॉक और स्टोन इज़ ए नेचुरली अकरिंग सॉलिड कंप्राइजिंग ऑफ वन और मोर मिनरल्स, मतलब मिनरल से मिलकर बनने वाली चीज़ें हैं, और मिनरल और सॉइल से मिलकर। फॉर एग्ज़ाम्पल द कॉमन रॉक इज़ ग्रेनाइट, इट्स कम्बिनेशन ऑफ मिनरल क्वार्टर्स एंड टू अदर मिनरल फ्लेट्सपर एंड बायोटाइट। तो ये मतलब जो दो या दो से ज़्यादा मिनरल से मिलकर, मादनियात से मिलकर जो चीज़ें बन रही हैं हमारे पास, वो हमारे पास क्या हैं, हमारे पास वो स्टोन है और रॉक्स वगैरह हैं। दी अर्थ इज़ आउटर सॉलिड लेयर, द लिथोस्फेयर इज़ मेड ऑफ रॉक। जो अर्थ की सबसे आउटर लेयर है वो किन से मिलकर बनी हुई है, रॉक से मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म क्या होते हैं, लैंडफॉर्म इज़ ए नेचुरल फीचर ऑफ सॉलिड सरफेस ऑफ दी अर्थ। मतलब अर्थ का जो सॉलिड सरफेस है उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे लैंडफॉर्म कहते हैं। मतलब जिस पर हम रह रहे हैं वो सारा क्या है, लैंडफॉर्म है। व्हाट इज़ टोपोग्राफी, लैंडफॉर्म मेकअप गिवन टेरियन एंड देयर अरेंजमेंट इन दी लैंडस्केप इज़ नाउन एज टोपोग्राफी। मतलब क्या है, गिवन टेरियन, टेरियन क्या होता है, जिस जगह में कोई जानदार रह रहा होता है। अब जिस हद तक मतलब हमारा घर है, हमने जितनी जगह घेर के उस घर में रह रहे हैं, मतलब वो एक बाउंड्री, जैसे हम वॉल्स बना के गेट वगैरह लगा लेते हैं, वो बाउंड्री है, वो क्या है, हमारा टेरियन है। इस तरह लिविंग ऑर्गेनिज़म जितने भी टेरियन बना के रहते हैं और उन टेरियन की जो अरेंजमेंट है लैंडस्केप पर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टोपोग्राफी बोलते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अनलिस्ट ऑल लैंडफॉर्म फीचर फाउंड इन पाकिस्तान एंड आल्सो पेस्ट देयर पिक्चर इन योर बुक। अब हमारे पास कौन कौन से लैंडफॉर्म हैं, हिल्स हैं, माउंटेन है, प्लेटियो है, कैनयॉन्स हैं, वैलीज हैं, बेज, पेनिनसोलाज, सीज, ये हमारे पास क्या हैं, कुछ लैंडफॉर्म हैं, लैंडफॉर्म के फीचर हैं। ये मैंने इनकी सबकी आपको पिक शेयर कर दी है, और इसमें कुछ और भी फीचर हैं, सम मर्ज, पीछे हमने मर्ज फीचर पढ़े हैं, ये कुछ हैं सम मर्ज फीचर, जिसमें मिड ओशियंस आ जाते हैं, मिड ओशियन रिजेज आ जाते हैं, वोल्केनोज आ जाते हैं, ग्रेट ओशियन बेसिन वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू नो अबाउट सॉइल, आप सॉइल के बारे में क्या जानते हैं। सॉइल कॉल्ड स्किन ऑफ द अर्थ, सॉइल को हम स्किन ऑफ द अर्थ कहते हैं, और ये कुछ चीज़ों का मिक्सचर है, जैसे कि हमारे पास मिनरल्स का, ऑर्गेनिक मैटर का,
ग्रासेस का, लिक्विड्स एंड काउंटलेस ऑर्गेनिज्म का मिक्सचर है, जो कि ये सब चीज़ें मिलकर ज़मीन पर लाइफ को सपोर्ट करती हैं। मतलब इन चीज़ों से, ये चीज़ें इंसान को, मतलब जानदार को, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, इन सबको सपोर्ट करती है अर्थ पर रहने के लिए। सॉइल इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड इज़ कॉल्ड पीडोस्फीयर, इसे पीडोस्फीयर भी बोलते हैं। और ये मतलब सबसे आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, और इसे हम पीडोस्फीयर भी बोलते हैं। ये आपके पास एक एमसीक्यूज भी है। राइट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सॉइल, सॉइल के इंपॉर्टेंट फंक्शन लिखें। इट इज़ मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ, इट इज़ मीन ऑफ वाटर स्टोरेज सप्लाई एंड प्योरिफिकेशन। ये क्या है, प्लांट ग्रोथ के लिए एक मीडियम भी है, वाटर स्टोरेज का मतलब ज़मीन में वाटर स्टोरेज का एक जरिया भी है, और सप्लाई एंड प्योरिफिकेशन। और ये क्या है, सप्लाई वाटर को सप्लाई भी करती है, उसकी प्योरिफिकेशन भी करती है। इट इज़ मॉडिफायर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर, मतलब अर्थ का जो एटमोसफेयर है वो इसकी वजह से मॉडिफायर होता है। कैसे, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैसेस वगैरह पाई जाती हैं, जो कि एटमोसफेयर में गैसेस की रिसाइकलिंग में यूज़ हो रही होती है। इट इज़ हैबिटेट फॉर ऑर्गेनिज्म, और बहुत से छोटे ऑर्गेनिज्म भी इसमें रह रहे होते हैं, तो ये उनके लिए हैबिटेट भी है। आगे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एनिमल्स का है। और एनिमल्स में क्या क्या है, एनिमल्स कैन मूव स्पॉन्टेनियसली एंड इंडिपेंडेंटली एंड दे मस्ट ईट अदर ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल। एनिमल्स होते क्या हैं, वो क्या हैं, स्पॉन्टेनियसली तेज़ी से मूव कर सकते हैं, आज़ादाना तौर पर मूव कर सकते हैं, और दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या है, ईट करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक ह्यूमंस भी क्या हैं, एनिमल्स हैं। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, इनकी दो कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया जाता है। फर्स्टली है डिफरेंस बिटवीन इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट, ये आपका एक क्वेश्चन भी है। वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, एनिमल हैविंग बैकबोन और स्पाइन कॉल्ड वर्टिब्रेट। जो एनिमल्स मतलब बैकबोन रखते हैं और स्पाइन रखते हैं, स्पाइन या बैकबोन ये एक टाइप की हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। मतलब कुछ में ये स्पाइन होती है, जो फिशेज हैं इनमें इनकी बैकबोन को हम स्पाइन कहते हैं, क्योंकि ये कांटेदार होती है। मतलब जिसकी जो कांटेदार होती है वो स्पाइन कहलाती है, बाकी जिनकी हमारे मतलब हमारी जो एक बोन की तरह ही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, बैकबोन कहते हैं। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, मैमल्स, तो ये क्या है, हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं। एनिमल विदाउट बैकबोन और स्पाइन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट, इन्हें क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। इनमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, प्रोटोजोआ और अर्थवर्म आ जाते हैं। ये कुछ वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट की आपके साथ पिक शेयर की गई है। अब आपने फाइंड करना है, कैन यू फाइंड आउट द एनिमल विच आर इनवर्टिब्रेट। आपने इन दोनों पिक्स में से इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट को फाइंड आउट करना है, ये आपका क्वेश्चन था टेक्स्ट बुक में। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट इससे रिलेटेड हमारा टॉपिक है प्लांट्स। राइट द यूजेस ऑफ प्लांट, प्लांट के यूजेस लिखें। तो प्लांट आर आल्सो यूज टू प्रोड्यूस ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स। हमें पता है ये फ्रूट्स को प्रोड्यूस करने के लिए, वेजिटेबल्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होते हैं। दे सर्व एज द सोर्स ऑफ मोस्ट मेडिसिन एंड ड्रग्स। हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन और ड्रग भी क्या है, प्लांट से ले रहे हैं। नेक्स्ट है इसके बाद वाटर। तो वाट राइट आर शॉर्ट नॉट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑल ओवर द अर्थ। ऑल ओवर दी अर्थ जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पर आपने क्या करना है, नॉट लिखना है। तो मतलब कितने परसेंट वाटर अर्थ में किस जगह में मौजूद है। 96% जो वाटर है वो सीज और ओशियन में है। 1.7 ग्राउंड वाटर मतलब ज़मीनी पानी है। ग्लेशियर और आइस कैप्स में 1.7 है, 0.01 इन एयर एज वेपर्स और 0.3 इन रिवर्स। 0.03% इज़ कंटेन विद इन बायोलॉजिकल बॉडीज। तो ये हमारे पास वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है राइट इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियन, ओशियंस की इम्पोर्टेंस लिखें।
द वर्ल्ड ओशन इज़ इंटीग्रल टू ऑल लाइफ, ये क्या है, तमाम लाइफ के लिए बहुत इंटीग्रल है। इट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न, ये वेदर पैटर्न और क्लाइमेट को क्या कर रहा है, डिस्कस मतलब इन्फ्लुएंस करता है, मतलब हमारे जो मौसम है, हमारी आबो हवा है, वो इसको भी इन्फ्लुएंस करता है। 2,30,000 नॉन स्पीसीज ऑफ मराइन एनिमल लिव इन द ओशन, इतनी स्पीसीज क्या हैं, ओशंस में रह रही हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, ये इन्वेल्प है, गैसेस का इन्वेल्प है जो कि अर्थ के सराउंड में है। और इसकी कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, ये कुछ है एलिमेंट्स हैं जो कि इसकी जिससे ये मिलकर बना होता है। आगे है हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के एडवांटेजेस राइट करें तो इट प्रोटेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम जेनेटिक डैमेजेस लाइक स्किन कैंसर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, मतलब ये इससे कुछ जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हैं आउट ऑफ द अर्थ, मतलब सूरज की रेडिएशन, उनसे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इट काज स्किन कैंसर, ये स्किन कैंसर की वजह बन सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एटमॉस्फेयर, इट ये भी हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है जियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द जियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के जियोलॉजी पर नोट लिखें, मतलब जियोग्राफिकली पाकिस्तान का रकबा कितना है, इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, वो पाकिस्तान के प्रोविंसेस कितने हैं, 4 प्रोविंसेस हैं, और सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, और इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर इसके कुछ अहम इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं। और पाकिस्तान जो रकबे के लिहाज से 36 लार्जेस्ट कंट्री है, और इसका एरिया कितना है, 7,96,090 किलोमीटर स्क्वायर है। पाकिस्तान लैंडस्केप्स वेरी प्लेन टू डेजर्ट्स फॉरेस्ट एंड हिल, मतलब इसकी जो लैंडस्केप है, ज़मीन की जो सतह है, वो क्या है, वेरी करती है, कुछ कहीं मैदान हैं, कहीं डेजर्ट्स हैं, कहीं फॉरेस्ट हैं, हिल्स हैं और प्लेटीज हैं, मतलब लैंडस्केप इक्वल नहीं है। और इट हैज़ टेम्परेचर रेंजेस ऑफ -70 डिग्री सेल्सियस इन हाइस्ट इन अनहैबिटेड एरियाज इन दी हिली नॉर्थ ऑफ कंट्री टू दी +53 डिग्री सेल्सियस इन दी सर्टेन पार्ट ऑफ आर सिंध, और मतलब इसका जो टेम्परेचर रेंजेस हैं वो -70 डिग्री है, कहाँ, हाइस्ट जहाँ मतलब ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, और अन इनहिबिटेड एरिया है जहाँ लोग नहीं रहते, इन दी हिली नॉर्थ मतलब नॉर्थ वाली साइड में ऑफ दी कंट्री टू दी +53, और +53 कहाँ है, इन दी सर्टेन पार्ट ऑफ सिंध, मतलब बाकी जो टेम्परेचर है वो -70 to +53 के मिड में एग्जिस्ट कर रहा है। द मोर वी मूव टू नॉर्थ द ग्रेटर द हाइट बिकम, और जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं तो इसकी हाइट पाकिस्तान मतलब ऊंचाई की तरफ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द जियोग्राफिकल एरियाज़, पाकिस्तान के जो जियोग्राफिकल एरियाज़ हैं उन्हें लिखें, नॉर्दर्न आइलैंड्स हैं, इंडस रिवर प्लेन्स हैं, बलोचिस्तान हैं, और कोस्टल एरियाज़ और डेजर्ट्स, ये इसके नॉर्दर्न एरियाज़ हैं। और ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नेम्स हाइट्स एंड लोकेशन ऑफ एनी 5 हाई माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड एंड राइट देम इन योर नोटबुक। तो ये उन्होंने कहा है कि 5 आपने माउंटेन लिखने हैं, हाईएस्ट माउंटेन पाकिस्तान के, और उन्हें अपनी बुक में उनकी जो पिक्स हैं उन्हें मेंटेन करना है। तो पाकिस्तान में जो है 5 माउंटेन कौन कौन से हैं, माउंट एवरेस्ट है, इसकी लोकेशन हिमालयाज में, और इसकी हाइट 8,848 मीटर है। ये इसी तरह मैंने आपको 5 जो शो कर दी हैं और उनकी हाइट भी शो कर दी है, जैसे K2 है, और उसके बाद कैनिंजोंगा है, और हमारे पास मुकालो है, और लॉथ है, लॉथ्स है,
तो ये हमारे पास पांच है। तो इन पांचों का आपने क्या करना है, आपने ये अपनी बुक पे इनकी पिक्स और इन्हें इनके नेम और हाइट के साथ पेस्ट कर देना है। ओके, हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके साथ डिस्कस कर लेते हैं वर्कशीट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम वर्कशीट को। तो हमारी जो फर्स्ट वर्कशीट है फिज़िकल ज्योग्राफी से, वो है लिस्ट सेवन एलिमेंट्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी। तो इसके सेवन एलिमेंट्स कौन से आएंगे, सॉयल, एनिमल्स, प्लांट्स, वाटर, एटमॉस्फेयर। तो ये सारे क्या हैं, इसके एलिमेंट्स हैं, वो आपने यहाँ राइट करने हैं। उसके बाद सीज, आगे है फिल इन द टेबल विद दी करेक्ट परसेंटेज ऑफ वाटर। तो इसमें सीज, ग्लेशियर्स, ग्राउंड वाटर, तो इन्हें आपने क्या करना है, फिल करना है। अब मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया है कि वाटर की परसेंटेज लिखे, तो वहाँ से आपने ये पढ़ना है। और उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन राइट जियोग्राफिकल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। तो अब ये भी हमें पढ़े, नॉर्दर्न आइलैंड्स, बलूचिस्तान प्लेटियो, कोस्टल एरियाज़। तो ये सारे क्या है हमारे पास है, जियोग्राफिकल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। तो आपने ये भी अपनी यहाँ वर्कशीट में राइट कर लेने हैं। नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ जियोग्राफी। तो आपको पता है यहाँ क्या आएगा, जियोग्राफी की डेफिनेशन। तो हमने ये सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में जियोग्राफी की डेफिनेशन को पढ़ा है, और यहाँ आपने जियोग्राफी की डेफिनेशन को राइट करना है। उसके बाद डिफाइन टोपोग्राफी, टोपोग्राफी की डेफिनेशन को आपने राइट करना है। ये क्या है, आउटर सॉइल, मतलब अर्थ की जो आउटर लेयर है, टोपोग्राफी है, जो कि टेरियन, जिस जगह पर हम रह रहे हैं वो वाली, उसके लैंडस्केप को डिस्कस करती है, उसके अरेंजमेंट को डिस्कस करती है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, ये भी मैंने क्वेश्चन आपको अभी रीड आउट करवा दिया है अगेन। एटमॉस्फेयर की इम्पॉर्टेंस लिखे, मतलब ये हमें क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर से बचाती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। तो ये आपने यहाँ लिखने है। व्हाट इज़ द टोटल एरिया कवर्ड बाय पाकिस्तान, तो ये टोटल एरिया भी हमने जियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में पढ़ा है। टोटल एरिया कितना है, 796,095 किलोमीटर स्केयर। तो ये भी आपने यहाँ राइट करना है। राइट डाउन द रेंजेस ऑफ नॉर्दर्न हाईलैंड्स, तो नॉर्दर्न हाईलैंड्स की रेंजेस आपने राइट करनी है यहाँ। ये देखें, ये इस वर्कशीट के जो सारे सॉल्यूशंस हैं, आंसर कीज़ हैं, वो मैंने आपको साथ में शेयर कर दी है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो यहाँ से सी कर सकता है, वो यहाँ से देख के लिख सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वर्कशीट नंबर टू, वो क्या है कि आपने मैच द लैंडफॉर्म नेम्स एंड डिस्क्रिप्शन, मतलब ये डिस्क्रिप्शन और नेम दिए गए, आपने इन्हें पढ़ के, आपने इन्हें स्टडी करके, इसके बाद आपने यहाँ मैच करने। सबसे पहले है प्लेटियो, लैंड हायर देन द सराउंडिंग लैंड एंड फ्लैट ऑन टॉप, मतलब टॉप से क्या है, लैंड है और फ्लैट है, और ये बाकी से, तो ये क्या है, लैंड एंड फ्लैट ऑन द टॉप, और टॉप से ये क्या है, फ्लैट होती है। तो ये यहाँ कौन सी पीक हमारे साथ मैच हो रही है, ये देखें ये वाली। तो ये क्या है यहाँ, ये देखें, बाकी लैंड से हायर है और टॉप से फ्लैट है। माउंटेन, लैंड विच इज़ मच हायर देन द रेस्ट ऑफ द लैंड अराउंड एंड हैविंग स्टीप स्लोप्स एंड ए पीक, मतलब इसकी चोटी होती है। तो ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा हायर भी है, मतलब लैंड से, और इसकी जो पीक है वो भी ऊंची है। आगे है प्लेन, अ फ्लैट पीस ऑफ लैंड इरिगेटेड बाय ए रिवर, तो ये हमारे पास क्या है, प्लेन है। और डेजर्ट, ड्राई ऑफन सैंडी एरिया वेयर वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो बिकॉज देयर इज़ वेरी लिटिल रेन, तो ये देखें, ये हमारे पास डेजर्ट है यहाँ, मतलब ये सैंडी एरिया है और यहाँ बहुत कम प्लांट ग्रो होते हैं क्योंकि रेन नहीं होती। कॉस्ट, लैंड नेक्स्ट टू ए लार्ज बॉडी ऑफ वाटर, मतलब लार्ज बॉडी ऑफ वाटर के बाद जो लैंड स्टार्ट होती है उसे हम कॉस्ट बोलते हैं, तो ये कॉस्ट है। और माउंटेन के बाद प्लेटियो, तो ये मैंने आपको मैचिंग करके दिखा दी है, तो आपने ऐसे मैच कर लेना है। ओके,
तो यहाँ आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़।